मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए एक कॉटन पैड और रोज़ वाटर, तो मैं इससे अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। तो मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है, तो अब मैं करूँगी मॉइस्चराइजिंग अपने फेस को। तो अब मैं ले रही हूँ निविया का क्रीम और अपने फेस पे अच्छे से मैं इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। तो अपने मेकअप शुरू करने से पहले अपना फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया करो। तो अब मैं ले रही हूँ एल्प्स गुडनेस का सैफ्रन सीरम, जो कि मैं इसे अच्छे से लगा के और ऑब्जर्व होने छोड़ दूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ मालियों का प्राइमर, जो कि हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है और हमारे मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। अब मैं ले रही हूँ मालियों का हाइलाइटर, जिसे मैं अच्छे तरीके से शेक कर लूँगी। उसके बाद मैं फिंगर टिप से इसे डॉट डॉट करके अप्लाई लगा ले रही हूँ। अपने फिंगर टिप से ही इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। इस हाइलाइटर ने मेरे फेस पर एक अच्छा सा ग्लो ऐड कर दिया है, तो मैं ले रही हूँ एसक्यू का ये फाउंडेशन, जो कि मेरे शेड से डार्क शेड आ गया है। तो मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसे कंटूरिंग कर ले रही हूँ। तो इसे अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी। एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर लूंगी। तो ये है ग्लैमअप, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे मेकअप लुक है, तो मुझे इसे मेकअप को ज्यादा हैवी नहीं करना है, क्योंकि मुझे हैवी मेकअप लुक नहीं चाहिए। तो ये क्रीम बिल्कुल बीबी क्रीम जैसा ही है। तो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है और मैं एक ब्यूटी ब्लेंड के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो अब मैं लगा रही हूँ मेबलिन का ये कॉम्पैक्ट, जिसे मैं अपने मेकअप बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डे टाइम में कहीं पे भी जा रहे हो तो पाउडर जरूर लगाया करो। तो मैं अब अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। अगर आप मुझे पहले वीडियो में भी देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं इसी आईब्रो पाउडर से ही अपने ब्राउ को फिल करती हूँ। मैं यहाँ पर ब्यूटी कलर का आईब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरे दोनों आईब्रोज फिल हो चुके हैं, तो अब मैं स्पूली के हेल्प से अपने आईब्रो को ब्रश कर लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में मेरे पाउडर लगा हुआ है वो हट जाए। आज मैं अपने आई मेकअप करने वाली हूँ हुडा ब्यूटी के न्यूड पैलेट से। मैं ये कॉफ़ी कलर पिक कर रही हूँ, जिसमें हल्का रेड अंडरटोन है इसमें। तो मैं अपने लीड पर इसे अच्छे से प्लेस करके और इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैंने फिर से वही कलर पिक किया है और मैं आउटर वी पे थोड़ा सा डार्क उसे करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी दूसरी आईज पे भी सेम आई शेडो लगा लिया है। तो मैं ले रही हूँ इसी पैलेट से रोज पिंक कलर मैंने लिया है, और अपने क्रीज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मेकअप है वो हल्का स्मोकी टाइप दिखे। मोर्फे का ये गोल्डन पैलेट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सिमरी शेड चाहिए था और उस पैलेट में नहीं था, तो मैं ये कलर पिक कर रही हूँ। सॉरी, मैं ये थोड़ा पिंक टोन में मैं ले रही हूँ सिमर कलर। तो मैं इसे अपनी लीड पे अच्छे से प्लेस कर रही हूँ अपनी फिंगर टिप से ही। मैंने ये लुक काफ़ी सॉफ्ट एंड नेचुरल रखने की कोशिश की है। मैंने अपनी दोनों आईज पे कलर लगा लिया है। अब मैं एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से आपस में सारे कलर को ब्लेंड कर लूँगी। मैं आज आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, और जिस पाउडर से मैं अपने आईब्रो को फिल करती हूँ उसी पाउडर से मैं अपने
हल्का स्मोकी टाइप लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने एक एंगलर ब्रश लिया है और उसी से मैं अपना लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इससे हल्का विंग भी ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने अपनी दूसरी आईज पे भी सेम कर लिया है। मैं ले रही हूँ क्लेमी का ये पैलेट, फेस पैलेट। तो आपको पता ही है मैं इसी पैलेट से हमेशा मेकअप लुक अपना करती हूँ। तो मैं इसमें से डार्क ब्राउन कलर मैंने लिया है और अपने फेस की कंटूरिंग इसी पैलेट से मैं कर रही हूँ। आप कंटूरिंग हल्का हल्का ही करो, पर करो नहीं तो फिर आपका फेस है पूरी वाइट वाइट दिखेगी। अब मैं ले रही हूँ रोज पिंक कलर और अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही नेचुरल पिंक हमारे फेस पे ग्लो आएगा। एंड मैं अपनी नोज पे भी हल्का हल्का पिंक शेड लगा ले रही हूँ। उससे क्या है कि आपका नेचुरल लुक आ जाता है। तो मैं इसी पैलेट से अपनी फेस की, पूरे फेस की हाइलाइटिंग कर लूंगी। मैंने अपनी फेस की हाइलाइटिंग कर ली है। अब मैं ले रही हूँ NYB की काजल। मैं एकदम पतला से अपनी काजल को लगाऊंगी, ज्यादा मुझे मोटा नहीं लगाना है। मैंने अपने बालों को एक साइड क्लिप कर लिया है और दूसरे साइड ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। मैं उसी पैलेट से कलर ले रही हूँ, कॉफी कलर, और अपनी वाटर लाइन के नीचे हल्का हल्का प्लेस कर रही हूँ और उसे स्मच कर दे रही हूँ अपने ब्रश के हेल्प से। ब्रॉन्सन का कर्लर है और मैं इससे अपने आई लैश को कर्ल कर ले रही हूँ। हिलरी रोडा का ये मस्करा है और मैं इसे अच्छे से 2-3 कोड मैं अपने आईज पे अप्लाई कर ले रही हूँ। और लैस पे भी मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। आप देखो, मैं नज़दीक से इसे दिखा रही हूँ, मुझे फॉल्सेस की ज़रूरत नहीं है। मैं निविया का लिप बाम ले रही हूँ और अपने लिप को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैटमी का ये लिक्विड लिपस्टिक है और इसे अपने लिप पे 2-3 ड्रॉप लेके अच्छे से लिप पे इसे ब्लेंड कर लूँगी। इयररिंग डाल लिया है जो कि मेरे आउटफिट से काफ़ी मिलता जुलता है। तो मैंने जो ये नेल पेंट लगाया है वो है वेला वोस्ते का और इसका कोड है 333। और अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इसका भी लिंक डाल दूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में।